नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग चमोली के तत्वाधान में एक पखवाड़े तक चलने वाला खेल महाकुंभ का मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सैनी और जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह रावत आदि ने ही दीप प्रज्वलित कर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। और सभी खेल प्रतियोगिताएं बालिका वर्ग के लिए रखी गई थी और जिसमें खो खो, बाली और इसके साथ ही बाल कबड्डी की टीम प्रतियोगिताएं प्रमुख रही हैं। कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर 17 में दशोली ब्लॉक प्रथम और इसके साथ ही देवाल ब्लॉक द्वितीय स्थान पर रहे हैं और इस तरह अंडर 21 में दशोली ब्लॉक प्रथम और कर्णप्रयाग ब्लॉक द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने में सफल रहे हैं। खो खो प्रतियोगिता के अंडर 14 में गैरश्रेण ने प्रथम और थराली ब्लॉक ने दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। सभी विजेता टीमों के लिए मेडल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 700 रुपये, द्वितीय स्थान दूसरे वाली टीम को 500 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 300 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया है। ये जिला स्तरीय खेल महाकुंभ जो 29 तारीख से ये शुरू हुआ है, इसमें बालक और बालिकाओं की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये हमारे श्रीमान जिला युवा कल्याण अधिकारी SS भंडारी जी, उनके साथ जो युवा कल्याण, बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। न्याय पंचायतों से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी ने विकासखंड में, विकासखंड से जिला स्तर पर ये जो खेल महाकुंभ आयोजित किए जा रहे हैं, ये बालिकाओं की आज जो ये प्रतियोगिता हो रही हैं, ये टीम प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताओं में हमारी बालिकाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर जिले में श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आज जब इसका उद्घाटन किया गया, जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी तथा संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा किया गया। ये प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई और 10 तारीख तक लगातार विभिन्न आय वर्गों में विभिन्न खेल विधाओं में संपन्न होगी। इस प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य प्रदेश सरकार का है कि जो हमारी प्रतिभाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उनको मंच प्रदान किया जाए और ताकि वे राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनपद के लिए पदक प्राप्त कर सकें। प्रतिभागियों से यही अनुरोध रहेगा कि वो खेल भावना के साथ खेलें और इस बात का ध्यान रखें कि किस कोई चोटिल न होने पाए, अपनी सुरक्षा के साथ साथ ही वो खेल को संपन्न करें। नमस्कार आप सभी को। यहाँ जैसे कि आप सभी को पता है, खेल महाकुंभ चल रहा है और हम दसोली की टीम की तरफ से हैं और हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ काफ़ी जगहों की टीम थी, सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैटर ये नहीं करता है कि हम फर्स्ट आए सेकंड आए, हमें मैटर ये करता है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। हमने तीन चार मैच खेले, उसके बाद हम फाइनल्स में पहुँचे और हमने प्रथम स्थान हमारा ये है कि राज्य स्तर में हम प्रथम स्थान प्राप्त। २०२३ में शुरू होने वाली उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने यात्रा शुरू होने के करीब 5 महीने पहले से ही चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपनी शुरू कर दी है और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में मौजूद बस ट्रांजिट कंपाउंड में पहुंचे और उन्होंने चार धाम यात्रा संचालित करने के लिए बनाए जा रहे नए बस टर्मिनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधा को, टर्मिनल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इस बाबत संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साफ कहा कि यात्रा की तैयारियों में इस बार किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसके लिए संविधंत विभाग ने भी अधिकारी संबंधित इसको लेकर अब जिम्मेदारी को अभी से संभालनी शुरू कर दी है और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया है कि यात्रा से पहले बस ट्रांजिट कंपाउंड के टर्मिनल का निर्माण पूरा करने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए हैं और इसके अलावा निर्माण टर्मिनल के अंदर यात्री पंजीकरण, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के कार्यालय एक साथ बनाए जाने के लिए भी निर्देशित किया है। यात्रा को और अधिक सुगम करने के लिए ये यात्रा का जो कार्यालय है उसको
यहाँ एक टर्मिनल के रूप में डेवलप किया जा रहा है ऋषिकेश में, ताकि जो पूरी चार धाम की यात्रा है उसका संचालन यहाँ से हो पाए। और वर्तमान में क्योंकि कार्यालय अलग अलग चल रहे हैं तो सबको एक जगह इकट्ठा करके यहाँ से यात्रा को संचालन की व्यवस्था की जानी है। तो पहले भी मैंने एक स्थल को देखा था, तो आगे और इसमें कार्य में प्रगति लाई जाए और किस प्रकार इसका उपयोग होना है उस विषय में आज बात। क्या क्या इसमें प्रस्तावित है सर? इसमें एक तो जो यात्री पंजीकरण की व्यवस्था विगत वर्ष प्रारंभ की गई है चारधाम में, उसको यहाँ पर पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। उसके लिए जो भी संसाधन है परिवहन के, जैसे बसें हैं, टैक्सी गाड़ी हैं, उन सबको स्पेस दिया जाएगा ताकि जो यात्री पंजीकरण के लिए आते हैं वो यहाँ पर आए और यहीं से पंजीकरण करवा कर यात्रा पर जा सकते हैं। उसके बाद उन यात्राओं की सुविधाओं के लिए जो यात्रा संगठन का कार्यालय रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पूरा मामला क्या है? पिछले साल जो इस साल अभी जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी उसमें जितना विवाद देखने को मिला, क्योंकि उसमें आपको खबर भी हमारी बहुत चली है, उसमें जहाँ था पंजीकरण में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और जितने भी यहाँ यात्री आए थे उन सब बहुत परेशान रहे, उसको जाने नहीं दिया गया, उनको रोक लिया गया। तो उसी व्यवस्था को देखने यहाँ पर एक नए कॉम्प्लेक्स और एक टर्मिनल बनाने की बात करी है और जो लगभग आधे ज्यादा तैयार हो गया है, उन्होंने उसको देरी से तैयार करने के लिए जो कार्यदायी संस्था है जो बना रही है उसको भी फटकार लगाई है कि इसको जल्दी जल्दी पूरा करें। अभी वैसे तो 5 महीने, लेकिन 5 महीने में ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, इसीलिए उन्होंने उसको फटकार लगा के कराया। और उस टर्मिनल में सबसे बड़ी बात यह है कि सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मिलेगी, चिकित्सा हो, शौचालय हो या नगर निगम हो या एकदम हो, और यात्रा प्रशासन जो है उनका ऑफिस भी वहीं होगा। इस तरह के सारे ऑफिस वहाँ होंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर वो अपनी सारी समस्या वहीं पर निवारण कर सकता है। पहले एक टर्मिनल का निर्माण करके सरकार की जो जागरूकता वो देखने को मिल रही है कि सरकार जो है चारधाम यात्रा को लेकर कितनी सजग है, क्योंकि जो परेशानी उनको पिछले साल झेलनी पड़ी है वो इस साल ना झेलनी पड़े, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन की जो सारी सुविधा है वो पहले कर दी है कि जो भी अपना टाइम लेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। संभल से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दूल्हे के किस करने पर गुस्साई दुल्हन ने जयमाला के दौरान शादी का रिश्ता तोड़ दिया और दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया है। इसी बीच बारातियों के बीच जमकर तूतू मैं हो गई है। मामला थाने तक पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच विवाह बंधन को खत्म करने की सहमति बनी और दूल्हे के बेरंग बारात लौटनी पड़ी है। और ये विचित्र मामला संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के इलाके के गांव का ही बताया जा रहा है, जहां बीते 26 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद बदायूं के बिलसी निवासी युवक की शादी बहजोई थाना इलाके के गांव की युवती से हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति के बाद बीते मंगलवार को दूल्हे और दुल्हन परिवार के लोग बतौर बराती दुल्हन के गांव पहुंचे। यहां शादी की रस्में अदा की गई और बताते चले कि जयमाला के दौरान दूल्हे ने दुल्हन के किस करते हुए अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और फिर क्या था, इसी बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि गाँव के संभाद लोगों ने मामले को शांत करवाया, लेकिन दूल्हे की बार बार अश्लील हरकत दुल्हन को तंग कर रही थी और दूल्हे से इस कदर खफा हो गई कि शादी की अन्य रस्में रोकते हुए हंगामा कर दिया, शादी से इनकार कर दिया गया। और दुल्हन के शादी से इनकार की खबर ने मानो कुछ देर के लिए बरातियों और घरातियों के सन्नाटा पसर गया और इस दौरान दूल्हा पक्ष दुल्हन की मिन्नतें करने लगा, मगर दुल्हन जिद पर अड़ गई, वो अब ये शादी नहीं करेगी। इसके बाद गाँव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत में दुल्हन ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी हरगिज नहीं करेगी और ना ही दूल्हे के साथ जाएगी। मामला बहजोई थाने में पहुंचा, जहां पंचायत की सहमति के आधार पर विवाह की सारी रस्में समाप्त कर दी गई। दूल्हे को बेरंग घर लौटना पड़ा और वही थाना प्रभारी पंकज लवानिया ने बताया है कि दूल्हे ने उन्हें कार्रवाई के लिए किसी प्रकार की तहरीर अभी तक नहीं मिली है और दुल्हन ने भी दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया।
तो रात बारात आई, और बारात आने के बाद जयमाले पड़े, उनके यारों ने ऊंचा कर दिया लड़का, हमारे लौंडे ने लड़की ऊंची करके जयमाला डलवा। कहाँ से शादी तय हुई थी लड़की की? बिलसी से। जयमाला पड़ी थी 28 तारीख को, उसमें तो अब आप क्या चाहती हो? जी मैं तो नहीं चाहती, अपने घर रहना चाहती हूँ। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उनका विवाह हुआ था 26 तारीख को, और उसके बाद में इनके गांव में जो रीति रिवाज चले रहे थे उसमें जब जयमाला समय आया तो दूल्हे द्वारा एक चुम्बन कर लिया गया था, और चुम्बन करने के बाद में जो लड़का अब मतलब देखभाल करने लगा, वो अवगत करने लगा, तो उसमें लड़की जो खुफा हो गई और उन्हें शादी से इनकार कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि गांव में पंचायत होने लगी, नहीं पंचायत में भी मामला नहीं निपटा तो जो है इसको थाने पहुंच गया मामला। जब थाने पहुंचा तो थाने में जाकर पंचायत हुई, थाना अध्यक्ष ने भी समझाया, बहुत समझाया कि ये शादी हो रही बात नहीं होती है, शादी है आप कर लीजिए, लेकिन लड़की नहीं मानी, जो है फिर दोनों अलग अलग हुए। ऐसे जानकारी मिली है, और वहीं पुलिस अब इसको लेकर क्या कार्रवाई करने वाली है? जी पुलिस का साफ साफ कह रहा, जो इंस्पेक्टर से बात हुई थी सिवानिया जी से, तो उन्होंने साफ कहा अभी तो दोनों तरफ से कोई भी लिखित पर नहीं दिया गया है, और दोनों लयबंद भी करके चले रहे हैं यहाँ से, अगर कोई लिखित पर देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते महीने डेंगू के कहर के चलते कई लोगों की मौत हो गई है, और इसी के चलते इलाके में मिल रही मानक विहीन एक नर्सिंग होम की लगातार शिकायतों के चलते स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में एक मानक विहीन नर्सिंग होम संचालित है, जहाँ डिग्री होल्डर डॉक्टर की जगह कोई अन्य चिकित्सक मरीजों को अपने नर्सिंग होम में भर्ती कर उनका इलाज कर रहा है, और इसी के चलते कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसके बाद जांच टीम नर्सिंग होम पहुंची थी, पर सूचना पहले से ही लीक हो गई थी, और मौके पर पहुंची टीम को सभी व्यवस्थाएं उचित मिली और जांच टीम वापस लौट गई। सीएमओ को जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, वहीं बीते टीम दिन ही सीएमओ खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं उचित नहीं मिली, और जिसके बाद नर्सिंग होम के संचालक सहित पूरा स्टाफ सीएमओ और पूरी टीम पर हावी हो गया। सीएमओ को स्टाफ ने धमकी तक दे डाली। आपको बताते चले कि पूरा मामला थाना सुनगढ़ी इलाके के नौगवा पकड़िया में मौजूद शाह जी नर्सिंग होम का है, जहाँ डॉक्टर अमन के नाम से नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन है, और एक बता दें आपको कि इस मामले को लेकर ही डॉक्टर अमन अभी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और कहीं बाहर रहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर अमन के पिता सरताज आलम उर्फ गजनवी मरीजों का इलाज करते हैं। इसी शिकायत पर सीएमओ आलोक शर्मा ने एक जांच कमेटी गठित की और जांच टीम को नर्सिंग होम में जांच के लिए भेजा था, पर सूचना किसी तरह लीक हो गई, और जब टीम मौके पर पहुंची तो सब कुछ ठीक पाया गया। इसके बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी। वहीं बीते दिनों सीएमओ आलोक शर्मा अपनी टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे, जहां सीएमओ आलोक कुमार को नर्सिंग होम के संचालन ने धमकी दे डाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि इस शाहजी हॉस्पिटल में मरीजों को भूसे की तरह भर के रखा जाता है। मरीज अपने घर से खुद फोर्डिंग और चारपाई लेकर आते हैं और इसी के साथ ही भर्ती हो जाते हैं। ज्यादातर मरीज यहां बुखार से पीड़ित हैं या उनको डेंगू हो गया है, तेज बुखार के मरीज हैं। वो डेंगू हो गया था मुझे। डेंगू आपको रिपोर्ट मिली? डेंगू हो गई? अभी नहीं मिली, कराई है जांच। तो आपको कैसे पता चला डेंगू? नहीं, एक परसों एक पहले कराई थी और आज एक कराई है। तो पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें डेंगू आया था? हाँ, उसमें आया था डेंगू। अब कैसे तबियत है? अभी तो मतलब सब कुछ सही लग रहा है मुझे, मेरी जाँच आ रही है। लगभग कितने दिन? तीसरा दिन है आज।
केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर आज जिले में विकास और औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी लगाने को लेकर उद्यमियों का जमावड़ा लगेगा। और आपको बता दें कि जहां पर आज फिर से अमेठी के औद्योगिक गौरव लौटने जा रहे हैं, आपको बताते चले कि जगदीशपुर के ही संजय गांधी पॉलिटेक्निकल में ही निवेशकों का बड़ा जमावड़ा लगने जा रहा है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और इसमें वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के ही कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी दी है। और आपको बता दें कि गोरखपुर के सैकड़ों विद्युत कर्मचारी हाथों में मशाल लेकर आज सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए विद्युत विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और उन्हें भ्रष्ट बताया है। कर्मचारियों ने बताया है कि हम अपनी मांगों को लेकर विगत कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा हमारी मांगों को अनसुना कर देता है। हम लोगों ने जब भी विरोध प्रदर्शन किया तो कभी भी उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया है। सरकार के एजेंडे पर हम हमेशा काम कर रहे हैं और 24 से 18 घंटे तक लोगों को विद्युत मुहैया करा रहे हैं और सरकार भी हम लोगों से बढ़ चढ़ कर काम ले रही है, लेकिन मानदेय के साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को नज़रअंदाज करता रहा, जिसको लेकर हमने कई बार प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार द्वारा हमारी इन जायज़ मांगों पर विचार नहीं किया गया। तो हम लोग रणनीति बनाकर और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इन जायज़ मांगों पर विचार करके इसे लागू किया जाए। और जिस तरीके से उत्तराखंड पंजाब के साथ कई राज्यों की सरकार इसको लागू करने पर विचार कर रही है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारी मांगों पर विचार कर उन्हें लागू करे। देखिए, मशाल जुलूस निकालना है कि हमारे प्रबंधन, जो प्रबंधन वर्तमान में चेयरमैन है, जो प्रबंधन समितियां हैं, उनके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में हम लोग मशाल जुलूस नहीं निकाले हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे प्रति जो कार्य करते हैं दिक्कतें आती हैं। आप देखे होंगे कि कर्मचारियों के संसाधन बहुत कम है, उस संसाधन में अधिक से अधिक काम लेना चाह रहे हैं। हम संसाधन की मांग करते हैं, अगर कोई काम में डेली होती है तो उस पर पनिशमेंट दे दी जाती है। तो हमारे चेयरमैन साहब से ये मांग है कि आप हमको व्यवस्था दीजिए, हमसे काम लीजिए। बिना व्यवस्था से हम काम नहीं कर पाएंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था है जो कभी पंजाब में, आपके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपका उत्तराखंड में, बंगाल में पास होने जा रहा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सरकारें हम लोग को जो बुढ़ापे की लाठी होती है, पूरी जवानी हम किसी संगठन, किसी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन बाद में हमको रिटायरी में कुछ नहीं मिलेगा, तो पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। एक हमारी मांग है LMB 10। लोग कह रहे हैं कि बिजली कर्मचारियों को बिजली फ्री मिलती है, फ्री नहीं मिलती। हमारे तनख्वाह से एडवांस पैसा काट लिया जाता है। मथुरा में दलित की बारात में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान दोनों ओर से जमकर हुई पत्थर चले हैं और पथराव में सुरेंद्र नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि बारात फराओल से गोवर्धन के माधुरी कुंड पहुंची थी और कहा जा रहा है कि अंबेडकर की तस्वीर लेकर वहां विवाद हुआ था और वहीं पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई की है। श्रावस्ती में विद्युत कर्मियों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो प्रदर्शन जो उनका देखने को मिल रहा है और जिससे जिले के विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। विद्युत कर्मियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कल से ही अधिशासी अभियंता कार्यालय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके चलते श्रावस्ती के वित्त व्यवस्था चरमराई हुई है। विद्युत कर्मियों का सांचोर का कहना है कि हमारी मांगे नहीं भेजी गई तो लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं जिला मुख्यालय भिनगा में विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर मशाल जलाकर पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया है। इसमें प्रशासन के मतलब ऊपर से जो है कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है, संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, उनको मानक के अनुसार सामान नहीं मिल रहे हैं। इस स्थिति में विद्युत व्यवस्था चलाना संभव नहीं है और प्रशासन तनाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं पड़ गई। चाहे हम रेगुलर हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे संविदा हों, सारे लोग परेशान हैं। कितने बिंदुओं पर मांग की गई आप लोगों की? 15 बिंदुओं मांग की गई है। मांगे नहीं पूरी होने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? धरना प्रदर्शन चालू हो चुका है, ये ऐसे टाइम चलता रहेगा। तो मांगे नहीं पूरे होंगे, धरना हमारा चलता रहेगा। हम
101 है, सभी सरकारी कर्मचारी वाले भी साथ में हैं। श्रावस्ती के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड बोध अरविंद सिंह पटेल ने नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणपुर बाजार का बारीकी से निरीक्षण किया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने सभी कक्षों का निरीक्षण किया और साथ ही PHC पर तैनात अधीक्षक को निर्देश दिया है कि अस्पताल में आए मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं पारदर्शिता के साथ मुहैया कराई जाएं ताकि मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और वही सदस्य ने CHC और PHC से साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया है। हरदोई में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई पराली दो खाद दो योजना के तहत किसानों से पराली लेकर उनको खाद दी जा रही है और पराली से गौशाला में बंद गोवंशों के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना से पराली जलाने की घटनाओं पर तो कमी आई है और वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी छाई हुई दिखाई दे रही है। हरदोई में इन दिनों पराली को लेकर प्रशासन से लेकर और शासन द्वारा लगातार कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि किसान पराली को न जलाए। पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने इन दिनों एक मुहिम चला रखी है, पराली दो और खाद लो, और इस कार्यक्रम से जहां आग लगने के मामलों में कमी आ रही है वहीं किसानों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली लादकर गौशाला पहुंच रहे हैं और वहां से गोबर की खाद को लेकर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए जहां एक तरफ आग लगने की ही दुर्घटनाएं जो हैं वो कम हो रही हैं और गौशालाओं में चारे की भी व्यवस्था हो रही है। तस्वीरें सुरसा विकास खंड के मोहरला कला गांव से है जहां पर बताया जा रहा है कि किसान अपने ट्रैक्टरों से पराली लेकर पहुंचे और यहां पराली देकर गोबर की खाद लेकर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस तरह वो पराली का सही उपयोग जो है वो कर पा रहे हैं और स्थानीय किसान रामशंकर शुक्ला ने बताया है कि जिला प्रशासन के प्रयास से कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए आग कम लग रही है, प्रदूषण में भी फर्क पड़ रहा है और हम लोग पराली गौशाला तक ला रहे हैं और खाद लेकर जा रहे हैं, इससे आग लगने की घटना में काफ़ी फर्क पड़ा है और यह अच्छी पहल है। वहीं उपनिदेशक कृषि चंद्र किशोर ने पराली दो खाद लो योजना पर बताया कि करीब एक महीने से हम किसानों के बीच जाकर उनको प्रेरित कर रहे हैं, जमीन की सुरक्षा से दृष्टिकोण को देखते हुए पराली गौशाला तक पहुंचाएं और खाद लेकर जाएं। इससे किसान भाइयों को ना तो आग लगने की डर रहेगा और धरती माता का भी गोबर भी खाद का पोषण बनेगा। रामशंकर शुक्ला है, यहीं का मैं गांव का ही किसान हूं, मोहरा कला ये जगह है और सरकार की योजना है कि पराली दो और खाद लो, इससे पर्यावरण का जो है नुकसान नहीं होगा। लोग पहले पराली जला देते थे और उसका जो है पर्यावरण पे नुकसान पड़ता था, तो सरकार ने इसको दंडनीय अपराध घोषित किया है कि आप लोगों ने जागरूक किया है किसानों को कि आप लोग पराली दो और खाद लो, इसलिए हम आज दो ट्राली पराली हम इस गौशाला को दिया है और उसके एवज में एक ट्राली हम ये गोबर की खाद ले रहे हैं और जिससे अपने खेतों में डालेंगे, जमीन भी उपजाऊ होगी और पराली जलाने की नौबत भी नहीं आएगी। इसके बदले में हम दो ट्राली पराली ले रहे हैं, एक ट्राली पास दे रहे हैं और सबसे जाकर हमने गांव-गांव भी कही और सूचना भी सारे क्षेत्र में है, किसान भाई हमें पराली दे रहे हैं तो एक ट्राली वो पास ले जा रहे हैं, दो ट्राली हमारे गौशाला में पराली दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके खेत भी मजबूत हो रहे हैं, यहाँ से खाद ले जा रहे हैं, हरी खाद जा रही है, वहाँ से वो चेहरा दे रहे हैं। चेहरा जो फूकने पर अपराध है, शासन से सरकारी आदेश है, इसलिए हम क्षेत्र में घूम टहल के हर आदमी को सूचना दिए हैं। क्या नाम है आपका? रावासरे। कहाँ के प्रधान है? मोहरा कला। ये माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है उनका आदेश है कि फसल अवशेष पराली में आग लगाना दंडनीय अपराध घोषित हो गया है, तो इसलिए किसान भाइयों को जागरूकता फैला करके ये प्रेरित किया जा रहा है कि फसल अवशेष में पराली में आग न लगाएं और जो नज़दीकी गौशाला है उसमें दो ट्राली पराली दे करके बदले में एक ट्राली गोबर की खाद ले लें, इससे गौवंश का भी पोषण हमारे होगा और हमारी जो है धरती माता को गोबर की खाद मिलेगी तो धरती माता भी हमारी हो जाएगी। किसान भाइयों के लिए गौवंश
बागपत के थाना सिंघावली अहिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में घुसकर एक दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने परिवार के सभी सदस्यों को लहूलुहान कर दिया, जिसमें एक महिला की आंख में चोट आई है और घर में रह रहे करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। मामला उस वक्त का है जब घर का परिवार सभी सदस्य चाय पी रहे थे और तभी मोहल्ले के ही दबंग लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर धावा बोल दिया और पीड़ित परिवार जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले दबंगों ने पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। वहीं सिंघावली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार को बराबर धमकियां मिल रही हैं और दबंग मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस पीड़ितों को कैसे न्याय दिलाती है और वहीं पीड़ित परिवार गाँव से पलायन करने के लिए भी सोच रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ बागपत से संवाददाता मयंक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैडम, पूरा मामला ये है, थाना सिंघावली में कस्बा अमीन नगर सराय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के चार पांच सदस्य बैठे चाय पी रहे थे परिवार के साथ और वहां पे एकाएक 20 एक दर्जन से अधिक दबंग लोग पहुंच गए लाठी डंडा नाजायज लैस होकर के और पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया, जिसमें एक महिला की आंख भी फूटी है। लाजमी ये है कि उस गांव में इकलौता ब्राह्मणों का मकान है और के जोगी बिरादरी के लोग उस परिवार को गांव से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक की लड़ाई का पूरा मामला समझ में नहीं आया है कि इस बात को लेकर के रंजित है, लेकिन पीड़ित परिवार को बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही है कि मुकदमे में सुलह समझौता कर लो। पीड़ित परिवार अभी क्या गुहार लगा रहा है प्रशासन से? पीड़ित परिवार प्रशासन से केवल न्याय की गुहार लगा रहा है और पीड़ित परिवार को ये भी डर है कि यदि हम मुकदमे में वापसी नहीं लेंगे, सुलह समझौता नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो ये दबंग व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, परिवार के किसी सदस्य का मर्डर भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।